महायुद्ध की तैयारी में जुटे पश्चिमी देश 12 जून से नेटो इतिहास की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल होने जा रही है। बाल्टिक सागर में होगी नेटो की ये ड्रिल। ड्रिल में 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स होंगे, 10,000 सैनिक होंगे। नेटो पूरी तरह से फाइटर मोड पर उतरेगा। ड्रिल का नाम दिया गया है एयर डिफेंडर 2023 और इसी ड्रिल के सहारे ये बताया जा रहा है कि नेटो जो है वो अपनी तैयारियों को धार दे रहा है कि अगर नौबत आ गई नेटो के इस युद्ध में उतरने की तो वो डायरेक्ट इसी तरह से हमलावर होगा। और ये वॉर ड्रिल किस तरह की है, कितने जेट्स होंगे, कितने फाइटर जेट्स होंगे, क्या कुछ तैयारी, विध्वंसक तैयारी नेटो की तरफ से होगी, आइए हम आपको बताते हैं। 12 जून से नेटो अपनी ताकत दिखाएगा, ये शक्ति प्रदर्शन होगा और इसी ड्रिल के बारे में आइए जल्दी से और जान लेते हैं। एयर डिफेंडर 2023 इस ड्रिल को नाम दिया गया है। बिग वॉल के जरिए आइए डिटेल्स आपको बताते हैं कि ये क्या कुछ, ये कैसी ड्रिल है, ड्रिल में कौन कौन शामिल हो रहा है। 25 देश शामिल हो रहे हैं, कुल फाइटर जेट्स 220 फाइटर जेट्स शामिल हो रहे हैं, कुल फाइटर जेट्स आपको हम बता रहे हैं। और एयर वॉरियर्स जो हैं वो 10,000 मिलकर इस वॉर ड्रिल को अंजाम देंगे। ड्रिल में खास क्या है, अपने एयर स्पेस की सुरक्षा करना है। ये तमाम देश जुटेंगे और अपने एयर स्पेस की सुरक्षा करेंगे, निगरानी करेंगे, कमांड करेंगे और कंट्रोल करेंगे और किस तरह से तैयारी होनी चाहिए उस पर ध्यान देंगे, रणनीति बनाएंगे, दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर हमला करेंगे, ये भी बात सामने आई है। आसमान में जेट की रिफ्यूलिंग की जा सकेगी, ये भी कारनामा किया जा सकेगा। तमाम तरह के वॉर एक्शन नजर आएंगे इस ड्रिल में जो 25 देश मिलकर कर रहे हैं। अब पश्चिम का मंसूबा क्या है, देखिए वेस्ट कंट्रीज का मंशा क्या है ये जानना जरूरी है। रूस और चीन को सामरिक संदेश देना, सीधा और सटीक संदेश देना। मैं सचदेव सर आपके पास आ रही हूं, ये जो वॉर ड्रिल है ये बताया जा रहा है कि नेटो अपनी ताकत दिखाएगा, अपनी शक्ति प्रदर्शन का एक जो नजारा है वो दुनिया के सामने रखेगा, लेकिन इससे सीधा संदेश चीन को है। पश्चिम एक खास मैसेज के साथ इस ड्रिल को कर रहा है। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आर्कटिक सी का इस्तेमाल अब व्यापार के लिए होने लगा है और चीन इस सागर का इस्तेमाल यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को अपने एक्सपोर्ट्स के लिए शुरू कर रहा है। और इस जगह पर एक चोक पॉइंट बनाने का अगर बाल्टिक सी में कुछ प्रयोजन है तो वो इस एक्सरसाइज से जाहिर होगा, अपार्ट फ्रॉम रूस के लिए जो ये खतरा दिखा रहे हैं उसको देख करके। बिल्कुल, और बिल्कुल ये स्थिति तो है ही, लेकिन ये वॉर ड्रिल जो चल रही है और इसके पहले हमने सिन्हा सर एक नहीं कई वॉर ड्रिल्स देखी हैं, आप इन इस मिलिट्री स्ट्रेटजी को जरा डिफाइन कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि एक एक्चुअल वॉर चल रहा है, नेटो उसमें डायरेक्टली घुसना नहीं चाहता लेकिन बड़ी बड़ी वॉर ड्रिल्स कर रहा है, ये इसको इन डॉट्स को कैसे लिंक कर रहे हैं? बहुत सिंपल है, जिस तरह से ये वॉर ड्रिल कर रहे हैं, वॉर ड्रिल क्यों किया जाता है, वॉर ड्रिल किया जाता है कि आप एक ऑपरेशन प्लान बनाते हैं, कंटिजेंसी प्लानिंग करते हैं, क्या क्या कंटिजेंसी हो सकता है उसके लिए रिहर्सल करने का प्रयास होता है। वो रिहर्सल में बहुत कुछ इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेशन नहीं, ये प्लानिंग है या फिर युद्ध में उतरने, दिख रहा है कि युद्ध में उतरेंगे आज नहीं तो, ये एक्चुअल कंडक्ट के पहले ये प्रिपरेटरी फेज है। कोई भी आर्मी आर्म फोर्सेज हम लोग को सिखाया जाता है, एक होता है प्लानिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज, फिर एक्चुअल। ये जो प्रिपरेटरी फेज है उस पर कंटिजेंसी प्लानिंग के लिए जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं उसको कवर करा है, क्योंकि एक बार जब रिहर्सल आप कर लेते हो तो फाइन ट्यूनिंग हो जाता है। अब 25 देश आप बता रहे हो, 25 देश के सेना में फाइन ट्यून करना, कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल है और यही शायद कोऑर्डिनेशन के लिए ही इतनी बड़ी वॉर ड्रिल की जा रही है, ताकि आइए सब देश मिलकर वॉर ड्रिल करेंगे और फिर रूस पर हमलावर होंगे।